हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉर्ट इंडिया। दोस्तों, कई दिनों से बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद टीचर्स की, मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपने एजुकेशनल फ्रेटर्निटी के लिए, जो मेरे देश की है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आप सभी के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। जी हाँ, सॉर्ट इंडिया चैनल ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू की हैं सभी टीचर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर डिस्कस किया जाएगा कि क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी अब जब स्कूल खुलेगा उसके दौरान, और कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि स्कूल्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से स्कूल जो ओपन होंगे वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे। तो इस पहले प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है सेफ्टी। COVID-19 अभी गया नहीं है, और मोदी जी ने भी कह दिया है कि हमें इसके साथ अब जीना होगा। मगर जीना होगा वो कैसे? अगर स्कूल सब खुलेंगे अगस्त में या जुलाई में या सितंबर में, कहीं भी जाकर अभी स्कूल अगर खुलने वाले हैं, तो वो स्कूल्स क्या आप नॉर्मल स्कूल की तरह खुलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या सेफ्टी मेजर्स रहेंगे और किस किस तरीके से सेफ्टी हम लोगों को करनी है, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, और जितना भी स्टाफ स्कूल में रहेगा उन सभी की। तो इसमें सबसे पहले एक डोमिनो इफेक्ट की मैं बारे में बात करूँगा। डोमिनो इफेक्ट क्या है? डोमिनो इफेक्ट, जैसे कि आपको पिक्चर में भी यहाँ दिख रहा है, डोमिनो इफेक्ट का मतलब है कि अगर एक जो लाइन है, कतार है, उसमें कोई एक गिरा तो सभी एक सीरीज से गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही COVID-19 के साथ भी है कि अगर आसपास की जो कम्युनिटी है, जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनमें से कोई भी एक बीमार पड़ेगा तो उसके साथ सभी बारी बारी से बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो इस डोमिनो इफेक्ट को हमें बचाना पड़ेगा, इसे हमें रोकना पड़ेगा। कैसे हम रोक सकते हैं? थ्रू ट्रेनिंग ऑफ द सेफ्टीज। अब सेफ्टी की ट्रेनिंग हमें किसके लिए करनी है? सबसे पहले अपने स्टाफ के लिए, कि स्टाफ को कैसे सेफ रहना है, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्टाफ भी एक अपनी फैमिली का मेंबर है, स्टाफ भी एक स्कूल का मेंबर, एक सोसाइटी का मेंबर। अगर स्टाफ, वन ऑफ द स्टाफ फॉल सिक, तो आप ये देखिए कि वहाँ पर उसके कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। साथ में वो स्कूल, जहाँ पर ये स्कूल खुलने के बाद ये सिचुएशन आई है, जहाँ पर कोई स्टाफ बीमार हो गया है, वो स्कूल भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और स्कूल बंद हो जाएगा। यानी आपका स्कूल 2 या 3 महीने 4 महीने या 6 महीने भी हो सकती है, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है कि उनके लिए वो बंद हो जाए और वो इतना टाइम के लिए वो स्कूल पीछे हो जाएगा और सभी स्कूल से, जहाँ पर ये क्वारंटाइन वाली सिचुएशन नहीं आई है, कोई स्टाफ बीमार नहीं हुआ है। स्टाफ की ट्रेनिंग के बाद कि कैसे उन्हें सेफ रहना है, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे सेफ रहना है, वो मैं आगे स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। उसके बाद किसकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग जो सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है वो पेरेंट्स की, ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स फॉर द सेफ्टी। क्योंकि पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो बच्चों को घर से भेजेंगे, तो उन्हें बच्चों को वहाँ पर समझा के भेजना है क्या क्या जो स्कूल्स ने जो नॉर्म्स बताए होंगे स्टाफ को, क्योंकि जो स्कूल्स नॉर्म्स बताएगा वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वो रूल्स लेगी जो WHO ने भेजे होंगे। तो WHO ने जो भी गाइडलाइन भेजी होगी उसको हमारी गवर्नमेंट स्टडी करेगी और सभी स्कूलों को भेज देगी। तो वो सभी सेफ्टी नॉर्म्स हमें फॉलो करने हैं, पहले स्टाफ को फॉलो करना है, फिर पेरेंट्स को भी हमें इसके बारे में अवेयर करना है, जो अपने बच्चों की बातों को दिमाग में बातें वो अपने बच्चों के दिमाग में डाल दें, साथ ही साथ वो बच्चों को सेफ्टी के लिए रेडी करके भेजें। फॉर एग्जांपल सैनिटाइजिंग किट भेजें। अब ठीक है, बच्चों को की ध्यान रखना है, स्कूल का काम है, स्कूल सैनिटाइजेशन की जो सुविधा है वो मुहैया कराएगा, अवेलेबल कराएगा, मगर एज ए पेरेंट वो मेरा बच्चा है, वो मेरी दुनिया है। अगर मैं एज ए पेरेंट बात करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं अपने बच्चे को फुल्ली प्रोटेक्ट करके भेजूँ, अगर मैं स्कूल भेज रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में। उसके बाद आता है ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ओके, ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर सेफ्टी।
तो स्टूडेंट की ट्रेनिंग कौन करेगा? जब हमारा स्टाफ ट्रेंड है, जब हमारे पेरेंट्स ट्रेंड है, तो वो दोनों मिलकर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करेंगे कि उन्हें कैसे सेफ रहना है इस एनवायरनमेंट में, स्कूल में कैसे सेफ रहना है। चलिए मैं इसमें आगे अब बात करता हूँ, इसमें आगे बढ़ते हैं कि व्हाट विल बी द चेंज, व्हाट विल बी चेंज्ड ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के बाद क्या क्या चेंज हो गया है? हमारे स्कूल्स चेंज हो गए। जैसे अभी स्कूल नॉर्मली फंक्शन कर रहा था मार्च से पहले, क्या स्कूल अब ऐसे फंक्शन कर पाएगा? नहीं, उतनी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, उस तरीके से क्लासेस नहीं चलेंगी, क्लासरूम का इवन सेटअप भी चेंज होगा। अगर आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखें तो क्लासरूम का सेटअप भी चेंज होने वाला है, क्लासरूम का पूरा सेटअप चेंज होगा। आप 40 बच्चे 50 बच्चे बैठे क्लास में नहीं पढ़ेंगे, मुश्किल से 10 15 या मैक्सिमम 20 बच्चे, अगर आपकी क्लासरूम बहुत बड़ी है तो उसमें इतने बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। क्या क्या चेंज होने वाला? और टीचर्स, जैसे अभी तक कन्वेंशनल टीचिंग चल रही थी, अभी एक नॉर्मल टीचिंग चल रही थी, क्या टीचिंग वैसे रहेगी? नहीं, टीचिंग बिल्कुल वैसे नहीं रहेगी, टीचिंग भी अब चेंज हो गई है। टीचिंग के टीचिंग डायनामिक हो गई है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। अब हमें क्लासरूम टीचिंग के साथ एक ऑनलाइन टीचिंग पैरेलली करनी है, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए हमें रेडी रहना है, तो वो चीज़ें भी हमें करनी पड़ेगी। असेसमेंट प्रोसेस, असेसमेंट जैसे अभी होता था, तो क्या अब असेसमेंट प्रोसेस वही सेम हम रख सकते हैं? नहीं, तो असेसमेंट प्रोसेस भी हमें चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी जब अब स्कूल कोविड-19 के बाद खुलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आगे चलते हैं। इसके बाद अब स्कूल्स की हम बात करते हैं कि स्कूल्स पोस्ट कोविड-19, स्कूल्स में क्या चेंज आएगा। पहला चेंज जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, थर्मो स्क्रीनिंग बिफोर एंटरिंग द स्कूल कैंपस। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पिक्चर में मैंने आपको स्टूडेंट्स दिखाया क्योंकि हम सभी का जो कंसर्न है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मगर सिर्फ स्टूडेंट के बारे में कंसर्न होने से कुछ नहीं चलेगा। वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन एंटरिंग इन टू द स्कूल, चाहे वो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉई है, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, या कोई भी पर्सन जो स्कूल में बाहर से आ रहा है, तो उसकी हमें स्क्रीनिंग करनी है। थर्मो स्क्रीनिंग गन मंगानी पड़ेंगी स्कूल्स को, वो स्कूल्स को अपने पास रखनी चाहिए, या अगर इससे बेटर आप इंतजाम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेटर आप गैजेट्स ले सकते हैं, जो थर्मो स्क्रीनिंग के कैमरेज लगते हैं वो अगर आप लगा सकते हैं तो वो भी अच्छे हैं, मगर थर्मो स्क्रीनिंग ज़रूरी है। चाहे कोई भी पर्सन कितनी बार स्कूल से के अंदर से बाहर जाके वापस आता है, उसकी भी हमें थर्मो स्क्रीनिंग कराते हैं, कि बुखार जरूरी नहीं है, बुखार तो बैठे बैठे भी चढ़ जाता है, बुखार थोड़ी देर में चढ़ जाता है कि आप सुबह तक ठीक थे, दोपहर में बुखार हो गया तो फीवर का पता नहीं चलेगा। तो थर्मो स्क्रीनिंग जरूरी है स्कूल को, इसके लिए थर्मो स्क्रीनिंग वाले कैमराज या थर्मो गन खरीदनी पड़ेगी। इसके बाद मेंटेनिंग डिस्टेंस वाइल रीचिंग क्लासरूम्स और मूविंग इन द कैंपस। कोई भी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉई है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मैं फिर से कहूँगा, या एक माली है या झाड़ू लगाने वाला है, कोई भी है, उनको एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, टीचर्स को मेंटेन करनी है, क्योंकि इन दोनों से ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को डिस्टेंस मेंटेन करनी है, आपके जो झाड़ू लगाने वाले हैं उनको डिस्टेंस मेंटेन करनी है आपस में भी और सभी से, आपके जो माली है उसको डिस्टेंस मेंटेन करनी है, आपके स्कूल में जितनी मेड हैं उन सभी को भी आपस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये नहीं कि वो एक झुंड बना के खड़ी होकर बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं कर सकते। बात करिए दूर से, मिलिए दूर से, हाथ नहीं मिलाना है, खाना नहीं शेयर करना है, कुछ भी शेयर नहीं करना है, खाना छोड़िए, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करनी है। अभी तक पर्सनल चीज़ों की बात करते हैं, बातें शेयर नहीं करनी है, बातें तो करनी नहीं है वो तो हमें पता है, मगर उसके अलावा हमें कुछ भी शेयर नहीं करना है, ना हमें पेंसिल, ना इरेजर, ना शार्पनर, ना एज ए टीचर्स हमें ना अपने चॉक डस्टर या जो भी हमारे गैजेट्स हैं वो भी हमें शेयर नहीं करने हैं। ठीक है, एवरी पर्सन शुड वियर द मास्क थ्रू आउट, it doesn't apply to the students only or the teachers only, it applies to everyone who is entering the school. कोई भी स्कूल में एंटर हो रहा है उसको मास्क लगाना ही है थ्रू आउट। हाँ, सांस लेने के लिए अगर आपके आसपास कोई नहीं है, थोड़ी देर आप उसको नीचे करके थोड़ा सफोकेशन अगर महसूस हो रहा है तो ठीक है, यू टेक अ डीप ब्रेथ एयर, ठीक है गर्मी भी है तो मैं समझता हूँ, मगर when you are surrounded by people, you need to wear the mask throughout. Mask लगा कर ही रहना है, अदरवाइज द सिचुएशन इज गोइंग टू बी टेरिबल। एक भी बंदा आपके स्कूल में बीमार पड़ा, द होल स्कूल इज गोइंग टू बी क्वारंटाइन, द होल स्कूल इज गोइंग टू बी शट, एंड द स्कूल्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ दोज दैट स्कूल आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड फॉर 2 or 3 months, जो ऐसा हम कोई भी नहीं चाहता है। नेक्स्ट, फॉर एवरी पर्सन दे शुड हैव देयर ओन सैनिटाइजिंग किट।
अब यहाँ पे ठीक है, स्कूल की जिम्मेदारी है, खाली स्कूल पे नहीं छोड़ सकते आप कि स्कूल को सैनिटाइजिंग किट अवेलेबल करानी है। यहाँ पर सभी के पास अपनी सैनिटाइजिंग किट होनी चाहिए। मैं आज खुद बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास एक छोटे से जो डिटॉल का सैनिटाइज़र मैंने लिया था उसी में मैं रिफ़िल करता रहता हूँ। मैंने बड़ी वाली सैनिटाइज़र की बॉटल खरीद ली है और मैं उसको फिल करके चलता हूँ कि मुझे बाहर सब्जी लेनी है, कुछ भी लेना है, पैसे लेने हैं, तो उसके बाद मुझे अपने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं, क्योंकि गर्मी है, पसीना आएगा, खुजली आएगी, है ना। हाथ को हम रोक नहीं सकते, जैसे बैठे हैं तो हाथ को नहीं रोकते, चश्मा नीचे आ गया तो क्या करूँ, उठाना ही पड़ेगा ऊपर, तो फेस के पास जाएगा ही। तो वी नीड टू हैव आवर ओन सैनिटाइजिंग किट। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। सैनिटाइजिंग किट में क्या रखना है, आप एक एक्स्ट्रा मास्क रख सकते हैं सेफ्टी के लिए कि भाई मास्क खराब हो गया, छींक आ गया, स्पूटम आ गया, तो वो तो पहना नहीं जाएगा फिर, तो एक मास्क रख सकते हैं एक्स्ट्रा, एक हम सैनिटाइजर रख सकते हैं, और एक लिक्विड सोप या जो सॉलिड सोप है कुछ भी अगर आप अवेलेबल है, 5-10 रुपये का आता है, एक साबुन देकर भेजिए, अपने बच्चों को भी देकर भेजिए, अपने हस्बैंड्स वाइफ्स को भी देकर भेजिए अगर वो टीचर हैं या स्कूल में किसी भी स्टाफ में काम करते हैं, पर सबके पास ये होना चाहिए। ठीक है स्कूल में अवेलेबल है, मगर अपना होगा ज़्यादा सेफ्टी के चांसेस रहेंगे, और इट वॉन्ट कॉस्ट मच, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, और मतलब बीमार होने से तो अच्छा ही है ये, और जान गंवाने से भी अच्छा है। नेक्स्ट, क्लास रूम्स पोस्ट कोविड 19 के बाद क्लास रूम का क्या स्वरूप रहेगा। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग टू बी मेंटेन, और एटलीस्ट 6 फीट की बात कही है WHO ने कि द सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट टू बी मेंटेन बिटवीन द डेस्क ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल अराउंड अलॉन्ग विद टीचर्स डेस्क। टीचर की डेस्क से स्टूडेंट की डेस्क के बीच में और आपस में लगभग 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी ही है, जिससे वो अगर किसी को स्नीजिंग है या कोल्ड है या आ जाती है, स्नीजिंग का एक ऐसा है कि कुछ नोज में इरिटेशन हुई किसी भी डस्ट पार्टिकल, तो स्नीजिंग आएगी तो वो दूसरे तक नहीं जाए, तो एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो 6 फीट की डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी है, और वो सिर्फ क्लासरूम्स में ही नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ कॉरिडोर में भी इतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। आप कहीं भी मूव कर रहे हैं इतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। स्कूल के लिए कितना रेडी होना पड़ेगा मैं बता देता रहा हूँ, जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट में बताते हैं कि नीचे वो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, अगर इनके इस लाइट नहीं जल रही है और प्लेन क्रैश होने की सिचुएशन में है तो वो इल्यूमिनेट हो जाएंगी और वो आपको रास्ता दिखाएंगी। ऐसे ही हमें एक जगह जगह पर मार्किंग करनी पड़ेगी, इससे बच्चा एक बच्चा उसको क्रॉस करेगा तभी बच्चा दूसरा उसको में आगे बढ़ेगा, तो शायद हमें ऐसा करना पड़े क्योंकि हमें बच्चों को ट्रेन करना है। छोटे छोटे बच्चे होंगे शायद भूल जाएँ, शायद उनके ध्यान नहीं रहे, मगर वो ऐसे अगर हम सिस्टम बनाएंगे स्कूल्स में तो शायद ये 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन होगा और हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट, वी नीड टू हैव द प्रॉपर वेंटिलेशन इन द रूम्स। वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी देखिए सफोकेशन अभी भी क्लासरूम्स में होता है, खांसी होती है, छींक होती है, इतना टेंशन वाला प्रॉब्लम नहीं था कि सर्दी जुकाम ही होगा, बुखार हो जाएगा, यार ज़रा ज़्यादा वायरल हो जाएगा, मगर ये वाला अगर वायरल हो गया, कोविड-19 हो गया, तो सिचुएशन टेरिबल हो सकती है बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, और जो भी स्टाफ है अगर उसमें से कोई भी बीमार पड़ा तो सबकी सिचुएशन टेरिबल हो सकती है। तो इससे बचने के लिए वेंटिलेशन होना जरूरी है कि प्रॉपर उसमें से जो वार्म एयर रूम में जनरेट होगी ड्यू टू द ब्रीदिंग ऑफ सो मच ह्यूमन बींग वो बाहर निकलती रहे और जो क्लासरूम का एनवायरमेंट है वो सफोकेटेड नहीं रहे। नेक्स्ट, वी नीड टू इंस्टॉल रिकॉर्डिंग कैमराज विद वाईफाई इफ पॉसिबल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर एट होम। अब आप देखिए, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा था कि सभी बच्चे तो स्कूल्स में नहीं आएंगे, सभी बच्चे क्लासरूम्स में नहीं होंगे। अगर 40 बच्चों की क्लास है तो 10 या 15 बच्चे एक बार में आएंगे एक क्लास में, तो 10 या अगर 15 बच्चे आ रहे हैं तो बाकी के 20-25 बच्चों का क्या वो स्कूल में पढ़ेंगे नहीं उस दिन। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो हमने चलो रिकॉर्ड कर लिया क्लासरूम में जो पढ़ाया टीचर ने और वो उसको हम शाम को अपलोड कर लेंगे, तो वो बच्चा क्या रात में पढ़ेगा? अगर 6-8 पीरियड आप चला रहे हैं तो क्या वो बच्चा रात में पढ़ेगा? तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इससे बेटर एक मैं आपको सभी को सलाह दूंगा कि जो स्कूल्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ गो फॉर इट, कि आप कुछ कैमराज, आप वेब कैम भी लगा सकते हैं। मैंने एक कैमरा यहाँ पर दिखा दिया, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है, मगर वेब कैम भी आप लगा सकते हैं जिससे एटलीस्ट टीचर और उसका बोर्ड दिखे जो वो पढ़ा रहा है, एटलीस्ट उतना तो दिखे। और वो क्लासरूम्स में ज़्यादातर स्कूल्स में अभी स्मार्ट क्लासेस और सिस्टम होने ही लगा है, तो वो सिस्टम्स में आप वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा है तो डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दीजिए स्कूल के चैनल का जो पेज है वहाँ पे लाइव पढ़वाइए, बच्चे वहाँ पे लाइव देख लेंगे, तो इससे आपके टीचर भी ट्रेंड हो जाएंगे, आपके सभी बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी एक गैजेट होने वाला है आगे आने वाले समय में, और सिर्फ कैमरे से ही काम नहीं चलेगा, वी नीड टू हैव
वी नीड टू इंस्टॉल द माइक्रोफोन्स ऑल्सो, तो हमें माइक्रोफोन भी देने हैं। आई वुड रादर सजेस्ट कि वायरलेस माइक्रोफोन दिए जाए। वायरलेस माइक्रोफोन से एक फ़ायदा रहेगा कि टीचर को मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वायर वाला, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, इसकी 20 फीट की वायर है, अगर ये यूज़ कर सकते हैं तो ये भी दे सकते हैं, मगर टीचर्स अगर यूज़ टू नहीं होगा तो उसमें इशू आ सकता है। बट जो स्कूल वायरलेस अफोर्ड कर सकते हैं वो वायरलेस अफोर्ड करें। जो स्कूल 700-800 रुपये के या 300-400 रुपये के आते हैं वो माइक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन माइक्स को यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रॉपर जो वॉइस है वो, अगर आपने कहीं डिस्टेंस पे कैमरा लगा दिया है या वेबकैम का ही कैमरे का माइक्रोफोन आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें एयर का जो नॉइज़ है वो बहुत जाएगा और बातें क्लियर नहीं होगी और ऑनलाइन टीचिंग का जो पर्पज़ है वो डिफ़ीट हो जाएगा। तो वी नीड टू इंस्टॉल दीज टू न्यू थिंग्स इन आवर क्लासरूम्स। नेक्स्ट, वी नीड टू हैव द प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लासरूम्स एंड द स्कूल ऑल्सो। सॉरी यार, मैंने वहाँ लिखा नहीं है, बट स्कूल ऑल्सो आफ्टर स्कूल इज ओवर। अभी तक स्कूल में सफाई होती थी, झाड़ू लगता था, पोछा लगता, मगर अब हमें अच्छे से उसका सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन करना है जिससे कि वहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी पनपे नहीं, ना बच्चों के लिए, ना टीचर के लिए, ना किसी भी स्टाफ रूम के लिए। और ये चीज़ें जहाँ एजुकेशन शुरू हो गई है कोविड-19 के बाद, सिचुएशंस कंट्रोल में आ गई है, वहाँ पर ये किया जा रहा है, तो ये भी अब हमें करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ये साल ख़राब नहीं हो, एजुकेशन प्रॉपरली हो। नेक्स्ट, टीचर्स पोस्ट कोविड-19, आर यू गोइंग टू बी द सेम टीचर? जस्ट गिव मी अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट। आर यू गोइंग टू बी द सेम? जो हम टीचर्स लोग हैं, अभी तक हम पढ़ाते थे, क्या हम सेम होने वाले हैं? नहीं। आप सभी का जवाब होगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है? तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी करनी है। वी नीड टू मेंटेन सोशली फ्रॉम ईच अदर एंड एवरीवन। सबसे हमें बच्चों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हमें अपने कलीग से मेंटेन करनी है, हमें जितना भी वहाँ स्टाफ है सबसे एक वो 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है कि भैया ठीक है, दूर से ही ठीक है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जोक्स अपार्ट, मगर हमें ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक गिरा तो सब गिरने चालू, डोमिनो इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, वी नीड टू अवॉइड मूवमेंट इन क्लासरूम वाइल टीचिंग। अभी तक हम क्लास में राउंड लेते थे, बीएड में सिखाया गया, अभी तक की जो लर्निंग कराई गई है स्कूल्स में कि अच्छा टीचर वो है जो क्लास में राउंड ले, देखे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी शायद हमें ये अवॉइड करना पड़ेगा। हम क्लास में राउंड नहीं लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें क्लासरूम में राउंड्स नहीं लेने हैं, दूर से ही हमें अपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमें अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को, बट वी नो एज अ टीचर कि ये 100% पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा आपके यहाँ गिर पड़ा है, तो आपको ठीक है जाके उठाना पड़ेगा। आपके बच्चे को किसी को कोई बीमारी हो गई, खुदा ना खास्ता वो या कोलैप्स कर गया या उसने खाना नहीं खाया था, ऐसे बहुत बार होता है, बच्चे सिर्फ दूध पी के स्कूल आ जाते हैं, चक्कर खा के गिरते हैं, तो उठा के ले जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब उस बच्चे को वहाँ नहीं छोड़ सकते, तब वहाँ जाना पड़ेगा, मगर उसके अलावा वी नीड टू अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी वन। नेक्स्ट, वी डू नॉट शेयर एनीथिंग विद एनी वन। अब देखिए, यहाँ हमें बच्चों को जब सिखाना है कि बेटा हमें एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करनी है, अदरवाइज यू मे गेट सिक, इरेजर शेयर नहीं करना है, पेंसिल शेयर नहीं करना है, कोई भी स्टेशनरी शेयर नहीं करनी है, बुक शेयर नहीं करनी है, नोटबुक शेयर नहीं करनी है, कुछ भी शेयर नहीं करना, टिफिन भी शेयर नहीं करना है। ये हमारे ऊपर भी अप्लाई करता है, एप्लीकेबल है, हमारे सबसे ज़्यादा टीचर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि टीचर्स को देखते हैं बच्चे, टीचर्स से ही सीखते हैं। अगर आपसे इंस्पायर्ड हैं बच्चे तो आपकी तरह बनना चाहते हैं एटलीस्ट एक एज तक। कुछ एज के बाद जब, क्योंकि हमारे देश में एक सिचुएशन ऐसी बनी है टीचर्स के लिए निगेटिव कि आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बनने के ख्वाब देखते होंगे, मगर एक छोटा बच्चा टीचर बनने के ख्वाब देखता है क्योंकि वो इंस्पायर्ड है अपनी टीचर से, ठीक है। तो वो अपने टीचर से जब इंस्पायर्ड हैं तो वो टीचर बनने के सपने देखते हैं, तो वो आपको एम्बाइब करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी तरह ही घर में जाके नौटंकी भी करते हैं, आपकी नकल उतारते हैं क्लासरूम में, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। तो जब आपसे इंस्पायर्ड हैं तो आपको इंस्पायर यहाँ पर भी करना होगा, उन्हें शेयरिंग से बचाना पड़ेगा, तो आपको भी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। आपको अपनी चॉक शेयर नहीं करनी है, आपको मार्कर यूज़ करते हैं तो मार्कर शेयर नहीं करना, डस्टर शेयर नहीं करना, यू शुड हैव योर ओन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्लासरूम में सिर्फ एक चॉक डस्टर रखा हुआ है, टीचर आते हैं वो डस्टर सेम रहता है, चॉक नहीं 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 नहीं, वी नीड टू चेंज इट। हम सभी टीचर्स, वो बहुत सारे स्कूल्स हैं
जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट डे पे ही ना सब कुछ पकड़ा देते हैं, ये आपका डस्टर है मैडम इस साल के लिए, 6 महीने के लिए चलाइए, ये आपका चौक का बॉक्स है, ये आपके मार्कर हैं, जब आपके ये इंक खत्म हो जाए तो उनको रिफिल कराने के लिए भेज दीजिएगा स्टोर रूम में, वो फ्री में रिफिल हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है, सभी को अपनी अपनी चीज़ें मिलती हैं, डस्टर मिलेगा, अपनी बुक्स आपको रखनी है, अपने नोट्स आपको रखने हैं, इवन आपका टिफिन आपको शेयर नहीं करना है एज ए टीचर किसी भी स्टाफ के साथ, क्योंकि स्टूडेंट आपको देखेंगे तो वो भी करेंगे, फिर आपके लिए ये बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी। टीचर्स को फिर रोका जा सकता है, फिर बच्चों को आप नहीं रोका जा सकता, क्योंकि चोरी छुपे वो करेंगे, वो बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, नहीं बाउंडेशन पसंद करते हैं, बाउंडेशन जब हम ही लोगों को पसंद नहीं आ रही है, हम ही लोग बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए हैं, तो वो छोटा बच्चा क्या, उसको क्या पता COVID-19 क्या है ना, वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा है, वो अपनी मैडम को मिस कर रहा है, वो अपने सर को मिस कर रहे हैं, अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, आज वो चाहते हैं एक दूसरे के गले मिलना, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ बैठना, टिफिन शेयर करना, पर हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, हमें उनको रोकने के लिए सबसे पहले खुद को रोकना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड हैव आर ओन सैनिटाइजिंग किट। अब जैसे हम बच्चों से कह रहे हैं, हम दूसरे स्टाफ से कह रहे हैं, टीचर्स को भी सैनिटाइजिंग किट रखिए, बच्चों के सामने इस्तेमाल करिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथ, दूसरी क्लास में गए वहाँ उनके सामने सैनिटाइज करिए हाथों को, बच्चों को भी कराइए कि ठीक है मैं सैनिटाइज कर रहा हूँ तो आप भी करिए, ठीक है। तो सैनिटाइजिंग किट रखिए, साबुन रखिए अपने पास, क्योंकि ठीक है वायरस बैक्टीरिया कहीं भी हो सकता है, चीज़ें बाहर से भी आएंगी, ठीक है आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, आप में असर नहीं दिखा रहा है, मगर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वी नीड टू हैव आर ओन सैनिटाइजिंग किट, और ये इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ इस पॉइंट को, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि जान है तो जहान है। नेक्स्ट, वी शुड वियर मास्क थ्रू आउट। अब जैसे सबको मास्क पहनने हैं, हमें भी पहनने हैं, तो टीचर्स की लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, मास्क हमें पहनना है, अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है, अपनी पूरी फैमिली की सेफ्टी के लिए पहनना है, अपने उन बच्चों के लिए पहनना है जो स्कूल आएंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू बी टेक्नोलॉजिकली साउंड। आप अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, मेन पॉइंट पर नहीं हूँ, यहाँ मैं मेन पॉइंट पर आपकी अब बात कर रहा हूँ, हमें टेक्नोलॉजिकली साउंड होना है। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार टीचर ना हुआ है यार, इंजीनियर हो गया। तो मैं यहाँ सभी से ही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी ऐसा मानते हैं, ठीक है हम लोग इंजीनियर्स नहीं हैं, बट वी हैव क्रिएटेड सम, और जो मेरे से ज़्यादा सीनियर टीचर्स होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, यू हैव क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग करने का वो जज्बा उनके अंदर जागे, उनको साइंस मैथ में अगर एंथुजियाज़म आपने जगाया है, और आप एक इंग्लिश टीचर थे तो आपने उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी की है कि वो इंजीनियरिंग कर सके जाकर, तो आपने इंजीनियर बनाए हैं सर, यू शुड बी फीलिंग प्राउड। और ये हमारा टर्न है, ठीक है, ये एक लाइफ का फेज है जहां हमें अपने कंफर्ट जोन से आज बाहर निकल के कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और देयर मैनी पीपल। मैं कल एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था ऑनलाइन, देयर इज वन लेडी हु इज टीचिंग इन चेन्नई, उन्होंने अपना स्कूल खोला है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, और शी इज़ रिटायर्ड, ऑलमोस्ट 75 से 80 साल के बीच में है उनकी एज, शी वॉज ट्रेनिंग अस, और वो PPT और जूम यूज़ करके हमें पढ़ा रही थी, मतलब सिखा रही थी। तो आप समझिए, तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इतने ओल्ड आप नहीं होंगे कि आप नहीं सीख पाएँ, टाइम लग सकता है सबके। अब यहाँ पर हमारी बच्चों वाली ये बात आ रही है, हम पेरेंट्स को बताते हैं ना कि सब बच्चों का लर्निंग का जो पेस होता है वो अलग अलग होता है, ऐसे ही एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, तो हम सबका भी पेस है, कुछ हमारे साथ के जो कलीग हैं वो जल्दी सीख जाएंगे, कुछ को टाइम लगेगा, मगर हम अगर कोशिश करेंगे तो हम टेक्नोलॉजिकली साउंड हो सकते हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं और उसमें बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट पे हमारी पकड़ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ ही सीखनी है ना। मोबाइल फ़ोन जब स्मार्टफोन नहीं थे तब भी आप थे, स्मार्टफोन आए तो आपने चलाना सीख ही लिया ना, और आप देखिए अभी तो आप मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, उनको स्मार्टफोन चलाना किसी ने सिखाया, सिर्फ खरीद के दे दिए, वो चलाते हैं, वो फेसबुक भी चला लेते हैं, वो व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, वो एन नंबर ऑफ थिंग्स चला लेते हैं। जब ये COVID-19 आया तो मेरे फादर ने मुझे कॉल किया कि एक डेली हंट करके वेबसाइट है, एक ऐप है, वो उन्होंने लिंक भेज दिया उसका, तो हु टॉट हिम, नो वन। मेरे फादर जब भी मुझे कभी ज़रूरत होती है पैसों की तो वो गूगल पे से मुझे भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं मनी, तो दे नो थिंग्स, दे कैन लर्न, वी कैन ऑल्सो लर्न, हम सीख सकते हैं, सभी हम लोग सीख सकते हैं, थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ये दिमाग में जो बैरियर आ गया है कि हम
ये क्या है, ये मुसीबत है ऑनलाइन टीचिंग? ऑनलाइन टीचिंग मुसीबत नहीं है. व्हेन यू विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग इट. इन्जॉय करना आप सीखेंगे, आप लर्निंग को इन्जॉय करना सीखिए. जो एक फेज़ हमारे बचपन में चला गया उसको थोड़ा सा जगाइए अपने अंदर का बच्चा, और आप इसको इन्जॉय करने लगेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स फॉर द ऑनलाइन टीचिंग. अब हमें ट्रेनिंग करनी है, इसका दारोमदार जाता है सबसे ज़्यादा स्कूल्स के पास और इंडिविजुअल टीचर्स के पास, दोनों की मैं बातें करूँगा. स्कूल्स के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग तो देते ही थे, अब ट्रेनिंग के सिनेरियो बदल गए. अभी तक हमारी ट्रेनिंग वैसी चल रही थी कि अच्छा बच्चों से ऐसे डील करना है, ऐसे नहीं बोलना है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स वर देयर. अभी सिनेरियो बदल गया, अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग की बात. तो इस पर ट्रेनिंग हमारी जिम्मेदारी है एज ए स्कूल, हम कैसे अवेलेबल कराएं उन ट्रेनिंग्स को. और एज ए इंडिविजुअल टीचर, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर ये आपकी ब्रेड एंड बटर है, तो आपको ट्रेनिंग लेनी है. मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ, मैंने जब ऑनलाइन टीचिंग 3 से 4 साल पहले शुरू की थी, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया. मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट, मैंने यूट्यूब्स पर वीडियो देखे, फिर मुझे जब कुछ लोगों की टेक्निक दिखी कि वो ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट कि इन्होंने ऐसा कैसे किया. और जब मैंने दीवारों पर सिर जा के मारा, तो रास्ते अपने आप खुल गए. ठीक है, जब मैं दीवारों का मतलब यही जो बैरियर थे, जब मैंने इनमें खुद जा के सिर मारा ना कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो मेरे सामने रास्ते खुले और मैं अब अच्छे से जानता हूँ. ठीक, आप मेरे रिसेंट के वीडियोज़ देखिए, आप जो इंडिया के नंबर वन चैनल्स हैं जहाँ पर पढ़ाया जाता है एजुकेशन से, जो कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, आई शुड नॉट नेम देम, मैं उन्हीं की टेक्निक्स जानता हूँ और मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ आज. ठीक है, और आपको इस वीडियो में पता चल रहा होगा, अगर मेरे पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ यही जो पीपीटी दिख रही है, तो ये मैंने सीखा है सर, और मुझे ये किसी ने नहीं सिखाया, यूट्यूब सोशल मीडिया नहीं सिखाया है, मैंने रिसर्च की है, मैंने क्वेश्चंस डाले हैं और इसको नॉलेज को गेन किया है. तो आप भी कर सकते हैं. ठीक है, पर हमें अब ट्रेनिंग्स किस चीज़ की करनी है, टीचर्स की ट्रेनिंग या टीचर्स को जो अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग किन चीज़ों के लिए करनी है, वहाँ मैं अब बात करूँगा, तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ. सबसे पहले हाउ टू क्रिएट लेसन्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के लिए लेसन्स कैसे क्रिएट करने हैं. दूसरा, वॉट आर द टूल्स एंड गैजेट्स, ऑनलाइन लेसन्स क्रिएट करने के लिए टूल्स और गैजेट क्या हैं. तो पहले तो यहाँ आएगी कि भाई ऑनलाइन लेसन्स क्या है, उसको क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या टूल्स और गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ें. देन हाउ द सेम कैन बी यूज इन अ बेटर वे ऑफ मेकिंग ऑनलाइन टीचिंग इन अ इफेक्टिव मैनर. जब हमें टूल्स पता चल गए, गैजेट्स पता चल गए, ऑनलाइन टीचिंग के जो लेसन्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, तरीका हमने ढूंढ लिया है, उसके बाद उनको बेटर वे में कैसे यूज़ करें इफेक्टिव मैनर में, कि टीचिंग हमारी ऑनलाइन टीचिंग इफेक्टिव हो, जैसे हमारी क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव रही है, तो उस पर हमें वर्क करना, उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. इसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑनलाइन टीचिंग, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग को अफेक्ट करते हैं. हमें क्लासरूम फैक्टर्स पता हैं टीचिंग के, वो हमने बीएड में भी पढ़ लिए हैं, वो अभी अगर हम टीचिंग करते हुए आ रहे हैं कई सालों से, तो हमें वो बाय एक्सपीरियंस पता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लासरूम टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं. तो वहाँ भी हमें अब ऑनलाइन टीचिंग के लिए देखना होगा कि वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिन जो इफेक्ट करते हैं, यानी ऑनलाइन टीचिंग को बेहतर बनाते हैं, या क्या उसके हर्डल हैं, या किसकी वजह से ऑनलाइन टीचिंग किन फैक्टर्स की वजह से वो ख़राब हो सकती है. उसके बाद आता है हाउ टू टेक ऑनलाइन असेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें कि ऑनलाइन असेसमेंट्स कैसे लेना है, क्या वो तरीके हो सकते हैं जब असेसमेंट किया जाए बच्चों का, तो इन सभी की हमें ट्रेनिंग करनी है. हालांकि इन सभी की ट्रेनिंग मैं भी कराऊंगा अपने इन्हीं सोशल मीडिया चैनल्स और पेज के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक पर तो, और इंस्टाग्राम पर भी. तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगर आप यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप हमारा चैनल सॉल्ट इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद या फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, या उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सॉल्ट इंडिया को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे. तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी टीचर्स के साथ और सभी पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि ये टीचिंग ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए हैं. मेरे अंदर, मेरे मन में कुंठा भरी हुई थी जब मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को, अपने पुराने कलीग्स को परेशानी में देखा कि वो परेशान है, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, जितना जानता हूँ उतना तो शेयर कर देता हूँ, पता नहीं कल क्या होने वाला है, मगर जब तक हूँ इस पृथ्वी पर, आई कीप शेयरिंग इट.
तो आप इसको लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर करिए, सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सभी कम्युनिटी तक पहुँचे। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ वर्दी कर रहा हूँ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपडेट के लिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू फाइंड आउट सॉल्ट इंडिया, फेसबुक पर जाकर आप सॉल्ट इंडिया फाइंड आउट करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, लोगों आप पहचानते ही हैं। इंस्टाग्राम पर आप सॉल्ट इंडिया डालेंगे तो भी लोगों आपको मिल जाएगा, लोगों पहचानते हैं, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। आपको अगर मुझसे कोई भी पर्सनल डिस्कशन करना है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है सॉल्ट इंडिया के नाम से, आप टेलीग्राम पर जाकर सॉल्ट इंडिया फॉलो करेंगे या ये लिंक आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ जाकर मुझे उस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट भी आ जाती है जो मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर्स पे भी हमारे अपडेट्स आते रहते हैं, वहाँ भी आप अपडेट कर सकते हैं। आप इसके अलावा मेरे सभी वीडियोज़ मेरी वेबसाइट www.sortindia.in पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे मैं विदा लूँगा, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, मगर उसके लिए मुझे हौसला ज़रूर दीजिएगा अपने लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू सो मच।